Hello students, welcome to our today's class. So students, as you know, we have completed our 11th chapter Major Landform of India. So in today's class, we will do the exercises of this chapter. Let us start. Our first question is multiple choice question. Choose the correct answer from the given option. यहाँ आपको सभी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से आपको सही आंसर चुनना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज डैश किलोमीटर्स. जो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है वो कितना है. द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज 3,214 किलोमीटर्स. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज 3,214 किलोमीटर्स. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. सो आंसर इज माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इंटू द बे ऑफ बंगाल. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इंटू द बे ऑफ बंगाल. इनमें से कौन सी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है. सो आंसर इज गंगा. गंगा रिवर फॉल इंटू द बे ऑफ बंगाल. गंगा रिवर फॉल इंटू द बे ऑफ बंगाल. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग. कौन सा जोड़ा गलत है. सो अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल. अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है, तो ये सही है. लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, तो ये जो है ये भी सही है. डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज इन साउथ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो राइट. बट हिमालय माउंटेन्स एंड सेंट्रल इंडिया, ये जो पैर है ये गलत है. बिकॉज हिमालय माउंटेन्स कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है. कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है. तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो गलत पैर है और ये हमारा आंसर है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शो इन द गिवन पिक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शो इन द फॉलोइंग पिक्चर. यहाँ पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है, अ डेजर्ट. क्या दिखाया गया, एक डेजर्ट. तो इट इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ऑप्शन सी इज अवर आंसर, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. नाउ अब हम क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपको कहाँ करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं. सो आप क्या करेंगे, पहले अपने चैप्टर का नंबर एंड नेम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स यहाँ सॉल्व करेंगे. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आइलैंड ग्रुप लाई इन द अरेबियन सी. नेम द आइलैंड ग्रुप लाई इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके नेम आपको लिखने हैं. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो कहाँ हैं, अरेबियन सी में हैं. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ अ पेनिसुला. व्हाट इज़ पेनिसुला. व्हाट इज़ पेनिसुला. पेनिसुला क्या है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड अ पेनिसुला. A piece of land surrounded by water on three sides is called peninsula. एक piece of land, एक ज़मीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे peninsula कहा जाता है. कहाँ से, only three sides से. जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसे peninsula कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, what is the east to west extent of India? What is the east to west extent of India? India का east to west extent कितना है, क्या है. तो हम क्या लिखेंगे, it is it extends about 2,933 किलोमीटर from east to west. It extends
अबाउट 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। टोटल एरिया का जो मेजरमेंट है वो कितना है 2933 किलोमीटर्स। नेम द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। नेम द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के नेम लिखने हैं आपको। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड्स। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड, दीज आर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं क्या क्या? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड। ये क्या है? इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी टू रिवर विच फॉल इनटू द अरेबियन सी। नेम एनी टू रिवर्स विच फॉल इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में गिरने वाली टू रिवर्स के नेम तो कौन कौन सी हैं? नर्मदा एंड तापी रिवर्स। नर्मदा एंड तापी रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी नदी जो है वो कहाँ जाके गिरती है? अरेबियन सी में जाके गिरती है। सो दीज आर अवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। सो माउंट एवरेस्ट इज द पिक इन द हिमालय माउंटेन। माउंट एवरेस्ट इज द डैश पिक इन द हिमालय माउंटेन्स। तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय माउंटेन में कैसी पिक है? हाईएस्ट। क्या आएगा यहाँ? हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन हिमालय माउंटेन्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन ओशन इज टूवर्ड द डैश ऑफ इंडिया। द इंडियन ओशन इज टूवर्ड द डैश ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर जो है वो इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है? साउथ। क्या लिखेंगे हम यहाँ? साउथ। द इंडियन ओशन इज टूवर्ड द साउथ ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशन है यानी जो हिंद महासागर है वो इंडिया के साउथ में है। द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू द डैश प्लेन्स। द हिमालय रिवर्स फ्लो थ्रू द डैश प्लेन्स। जो हिमालय रिवर्स हैं वो कौन से प्लेन्स में बहती हैं? नॉर्थन प्लेन्स में। कहाँ बहती हैं? नॉर्थन प्लेन में। सो द हिमालय रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स। नेक्स्ट द अरेबियन सी लाई इन द डैश ऑफ वेस्ट ऑफ इंडिया। द अरेबियन सी लाई इन द डैश ऑफ इंडिया। जो अरेबियन सी है वो इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है? इट इज़ इन वेस्ट। कहाँ है? इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में। तो द अरेबियन सी लाई इन द वेस्ट ऑफ इंडिया वेस्ट। द लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द। जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है? अरेबियन सी में है। जो अरेबियन सी है उसमें लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो लोकेटेड हैं या लाए हैं। ओके, सो इन अरेबियन सी। नेक्स्ट इज द डैश प्लेटू इज सराउंडेड बाय प्लेन्स। द डैश प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय प्लेन्स। जो कौन से प्लेट्यूज हैं जो प्लेन से घिरे हुए हैं? तो डेकन प्लेट्यूज। क्या आ जाएगा यहाँ? डेकन प्लेट्यूज। डेकन प्लेट्यूज इज सराउंडेड बाय प्लेन्स।
So these are the exercises of our 11th chapter, जिसे आपको अपने book and notebook दोनों में solve करना है. We will meet in our next class. और next class में हम क्या करेंगे, हमारे जो short answer type questions हैं उन्हें solve करेंगे. Till then, you keep studying, keep learning, take care and bye bye.